एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउज यू ऑल। सो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी पिलग्रिम का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एंड जो कि है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्हाइट लोटस सनस्क्रीन सीरम विद SPF 50+। एंड जो भी मुझे YouTube पे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो ये सब जानते हैं कि मुझे पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा पसंद हैं एंड इसके मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी शेयर किए हैं इनके प्रोडक्ट्स के। एंड अगर अभी तक आपने वो रिव्यूज़ चेक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड आई बटन पर भी आप उन्हें चेक कर सकते हैं बट इस वीडियो के बाद। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, आप देख सकते हैं, एंड ये है इसके इनर पैकेजिंग। एंड ये जो पैकेजिंग है इस पे आपके इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, इसका प्राइस, हर एक डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ डिटेल मैं आपको इस ब्रांड के बारे में भी दे देती हूँ। ये जो पिलग्रिम ब्रांड है इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कोलिन फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। एंड ये जो ब्रांड है ये SLS फ्री है, पैराबिन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं किए गए, ये 100% वीगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। तो अब बात करते हैं इसके इनर पैकेजिंग की। इस तरीके की पंप बॉटल आपको मिल जाएगी एंड ये जो बॉटल है ये ग्लास बॉटल है, सो इसकी पैकेजिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड यहाँ पे आपको इसका पंप मिल जाएगा एंड इसके साथ मिलेगी आपको ये कैप, सो इट्स वेरी ट्रेवल फ्रेंडली, आप इसको इजिली कैरी कर सकते हो ट्रेवलिंग में। इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 30 ml की एंड इसका प्राइस है 450 rupees। एंड इसके जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है व्हाइट लोटस, हाइलुरोनिक एसिड एंड सीका। व्हाइट लोटस एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है एंड हमारी स्किन को नेचुरल कंडीशन करता है एंड हमारे स्किन के रेडियंस को एनहेंस करता है। एंड हाइलुरोनिक एसिड हमारे मॉइस्चर को लॉक करता है स्किन के एंड हमारे कोलेजन को इम्प्रूव करता है एंड ये हमारी स्किन को प्लम्पर दिखाता है एंड और ज़्यादा हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। एंड जो सीका है वो एक एंशियंट हर्ब है जो कि हमारी स्किन को यूथफुल बनाने के लिए हेल्प करता है एंड ये प्रिवेंट करता है हमारी स्किन को टैनिंग से एंड हमारी स्किन को सूथ करता है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना ज्यादा लाइट वेटेड है, क्विकली मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया एंड इसने व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एंड यहाँ पे मैं ये टू फिंगर मेथड यूज करूंगी सनस्क्रीन अप्लाई करने के लिए एंड आपको नेक पे अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है एंड आपको ज्यादा रब नहीं करना है इसे अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मर्ज करना है अपनी स्किन में। एंड इसका जो एप्लीकेशन था काफी अच्छा था, बहुत अच्छे से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो रही थी, तो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी। बहुत लाइट वेटेड है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, ऑयल फ्री है एंड देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना अच्छा ग्लो दिया है एक नेचुरल मेरी स्किन पे। इस सनस्क्रीन का जो टेक्सचर है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज़ ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है एंड ये ऑयल फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री है एंड ये ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज कर सकते हैं बट स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए ये काफी अच्छी सनस्क्रीन है इन समर। सनस्क्रीन हमारे स्किन केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन समर्स और विंटर्स में भी आपको इसे यूज करना चाहिए। एंड ये जो सनस्क्रीन है ये हमारी स्किन को इंडोर एंड आउटडोर प्रोटेक्शन देती है, ये हमारी स्किन को UVA UVB एंड ब्लू लाइट रे से प्रोटेक्ट करती है। जब भी हम बाहर जाते हैं हमें 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन अप्लाई करके ही निकलना चाहिए एंड घर पर भी हमें सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए बिकॉज जब भी हम फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उनसे जो निकलने वाली हार्मफुल रेज होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है, सो इसलिए सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब हम एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारे स्टेप करते हैं, लाइक जब हम CTM रूटीन करते हैं उसके बाद हम सीरम, मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, बट इस सनस्क्रीन का बेस्ट पार्ट ये है कि ये 2-in-1 है, इसमें आपको सीरम का फॉर्मूला भी मिल जाएगा एंड आपको इसमें सनस्क्रीन भी मिल जाएगी एंड आपको इसे जस्ट एक बार अप्लाई करना है एंड इतने सारे स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब भी आप बाहर जाते हो आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे रीअप्लाई करना भी जरूरी है एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जैसे कि बाकी सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद होता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस सनस्क्रीन एंड आई होप कि ये रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड ये जो सनस्क्रीन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड मैं आपको भी ये हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसे जरूर एक बार ट्राई करो। एंड अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे बाय कर सकते हैं एंड कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो या सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।